हरे कृष्ण। कल्पना कीजिए कि आपके घर के आंगन में एक नींबू का वृक्ष है, लेकिन एक दिन अचानक से उस पर कदंब के फूल खिल रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप ही राघव पंडित की तरह ये दृश्य देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे? है ना? विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के लिए ऐसी लीलाएं करना बच्चों का खेल था। नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान नित्यानंद की ऐसी ही अनेक लीलाएं, जिनका आस्वादन करके आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे। महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है तो उसे नित्यानंद प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ना होगा। नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व है, जिनकी कृपा के अभाव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का विचार भी करना संभव नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जो भी श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति शरणागत होता है, उसे लाखों चंद्रमाओं की सुखदायक चांदनी प्राप्त होती है। नित्यानंद प्रभु ने 1473 में बंगाल के एक छोटे से गाँव एक चक्र में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के घर में जन्म लिया था। वे और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण लीला में अद्वितीय भूमिका निभाने वाले स्वयं बलराम जी के अवतार हैं। उनके माता पिता तथा सभी गांव वाले प्रेम पूर्वक उन्हें निताई बुलाते थे। अपने जीवन के पहले 12 वर्ष वे अपने माता पिता के साथ ही रहे। बचपन में इनका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था भगवान राम तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करना। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर इन लीलाओं को इतनी बारीकी से प्रस्तुत करते थे कि गांव वाले समझ नहीं पाते कि उन्हें इन लीलाओं के बारे में इतना विस्तार से कैसे पता है, जिनके बारे में शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है। जब वह 13 वर्ष के थे तब उनके घर पर एक सन्यासी रहने आए, जिन्होंने हड़ाई पंडित तथा पद्मावती से उनके पुत्र को ही भिक्षा में मांग लिया। अब हड़ाई पंडित और देवी पद्मावती अपने दिल पर पत्थर रख कर उन्हें कुछ कह न सके और आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उन्होंने निताय को उस सन्यासी को सौंप दिया। कुछ समय बाद ही अपने पुत्र के वियोग में हड़ाई पंडित ने अपने देह का त्याग कर दिया। अगले 20 वर्ष निताई अपने घर नहीं लौटे। जिस प्रकार भगवान बलराम कुरुक्षेत्र के युद्ध से बचने के लिए तीर्थाटन पर निकल पड़े थे, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी 20 वर्षों तक भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अंततः 1506 में 32 वर्ष की आयु में वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, जब महाप्रभु केवल 20 वर्ष के थे। ये मिलन ऐसा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनके अश्रुओं की बाढ़ में समा जाएगा। एक समय जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पर रह रहे थे तो वहाँ एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होने वाले घी को रखने के लिए बेल धातु के कटोरे का प्रयोग करती थी। एक दिन कहीं से काला कौवा उड़ते हुए आया और उस कटोरे को अपनी चोंच से उठाकर अपने घोंसले में ले गया। मालिनी देवी ने ये सब देख लिया और कटोरे को वहाँ ना पाकर वह चिंता के मारे जोर जोर से क्रंदन करने लगी। केवल इतना ही नहीं, वह कौवा फिर से उसी घर में आकर बैठ गया। जब नित्यानंद प्रभु को ये बात पता चली तो उन्होंने उस कौवे को आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर वह कटोरा वापस ले आए। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? वो कौवा सच में उड़कर अपने घोंसले में गया और वो कटोरा वापस लेकर आ गया। मालिनी देवी को इस घटना पर इतना आश्चर्य हुआ कि वे बेहोश हो गए। जब वे पुनः अपनी चेतना में आई तो उन्होंने भगवान नित्यानंद की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक समय भगवान नित्यानंद तथा बहुत सारे वैष्णव पानीहाटी में कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों से कहा कि वे उनका अभिषेक करें। ये सुनकर तो भक्त जैसे आनंद में उछलने लगे। उन्होंने गंगा के पवित्र जल से नित्यानंद प्रभु को स्नान करवाया तथा उनकी दिव्य देह पर चंदन का लेप किया। सुगंधित फूलों से गूंथी हुई मालाएं उनको पहनाई गई और तभी नित्यानंद प्रभु ने बड़ी विचित्र मांग की। उन्होंने कहा कि वे कदंब के फूलों की माला पहनना चाहते हैं। उस समय राघव पंडित भक्तों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा कि वर्ष की इस ऋतु में तो कदंब के पुष्प मिलना संभव नहीं है। जब नित्यानंद प्रभु ने ये सुना तो उन्होंने राघव पंडित को अपने घर जाकर कदंब के फूल ढूंढने के लिए कहा। राघव पंडित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने घर के आंगन में प्रवेश किया तो एक अलौकिक दृश्य उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। उनके बगीचे में जो नींबू का वृक्ष था, वहाँ कदंब के फूल खिले हुए थे और ये पेड़ कदंब के फूलों से लदा हुआ था। सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान के लिए भला ये कौन सी बड़ी बात थी? आश्चर्य तथा प्रेम की मिश्रित भावनाओं से राघव पंडित भाव विभोर हो गए और उन्होंने तुरंत जाकर कदंब के उन पुष्पों से नित्यानंद प्रभु के लिए एक सुंदर माला बनाई तथा उन्हें अर्पण की।
कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य के दौरान हम कई बार देखते हैं कि कई भक्तों को लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। ऐसे समय पर उन्हें क्षमा करना ही पहाड़ जैसा कार्य लगता है, परंतु जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु जगाई और मधाई नामक दुष्ट भाइयों के हाथों से घायल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उन दोनों भाइयों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया, ये देखना अपने आप में ही विस्मित करने वाला है। इस लीला से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि भगवान हम जैसे पतित जीवों को अपने धाम वापस ले जाने के लिए किस हद तक लालायित रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु को घर घर जाकर कृष्ण प्रेम बांटने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी क्रम में हरिदास ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु की भेंट जगाई मधाई नामक दो भाइयों से हुई। कहने को तो वो पुरोहित वंश के थे, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं था जो इन दोनों ने ना किया हो। अब नित्यानंद प्रभु तो ठहरे परम दयालु। उन्होंने सोचा, यदि इन दो भाइयों का उद्धार हो जाए तो महाप्रभु के मिशन की सफलता का डंका पूरे नवद्वीप में बजेगा। और फिर क्या था, नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर अपने हाथों में कृष्ण प्रेम के अमृत का प्याला लेकर इन दोनों भाइयों के पास जा पहुँचे। लेकिन जगाई मधाई को इसकी क्या कीमत समझ आने वाली थी। जहाँ जगाई इन दोनों को अपशब्द कहने लगा, वहीं मधाई ने तो हद पार कर दी। उसने एक मिट्टी का बर्तन उठाकर नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर जोर से दे मारा, जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा। अब भगवान भला अपने नित्य पार्षद की ऐसी दुर्दशा कैसे देख सकते थे। महाप्रभु तुरंत वहां प्रकट हो गए और साथ ही साथ उनका सुदर्शन चक्र भी। इससे पहले कि जगाई मधाई भगवान की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाते, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के पैरों में पड़कर विनती की कि कलयुग में हर व्यक्ति इनके जैसा ही पतित है। इस युग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही पतित जीवात्माओं के उद्धार का एकमात्र मार्ग है, इसलिए महाप्रभु कृपया करके इन जगाई मधाई को क्षमा कर दें। नित्यानंद प्रभु की बात मानकर महाप्रभु ने जगाई को तो क्षमा कर दिया, लेकिन मधाई का उद्धार तो केवल नित्यानंद प्रभु के हाथों ही हो सकता था। भगवान तथा उनके नित्य पार्षद के बीच हुए संवाद को सुनकर जगाई मधाई का हृदय पिघल गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और तभी मधाई ने नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी, तो उन्होंने उसे ऐसे क्षमा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के पश्चात उन दोनों भाइयों के पाप कर्मों को महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण कुछ समय के लिए उनकी सुनहरी कांति भी क्षीण पड़ गई। नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व है। आज उनके प्राकट्य दिवस पर हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य शिक्षाओं पर चलने का ऐसा आध्यात्मिक बल प्रदान करें कि हम संपूर्ण जगत में उनकी शिक्षाओं का प्रचार कार्य कर सकें। आध्यात्मिक गुरु उस नाव के समान होते हैं जो भव सागर में डूब रहे जीव को न केवल आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि कृष्ण प्रेम की अमूल्य भेंट भी देते हैं। तो चलिए, आज नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की और श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध प्रेम प्रदान करें। हरे कृष्णा।